आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,54,946 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 26,624 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,45,804 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 464 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 86,000 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 188, नैनीताल में 73, पिथौरागढ़ में 42, हरिद्वार में 31, अल्मोड़ा में 22, उधमसिंह नगर में 19, उत्तरकाशी में 18, चमोली में 18, पौड़ी में 17, रुद्रप्रयाग में 16, टिहरी में 11, चंपावत में 5 और बागेश्वर में 4 संक्रमित मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 3, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और वेलमेट अस्पताल देहरादून में एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 1,413 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। विधानसभा सत्र आज से 22 को पारित होगा अनुपूरक बजट। तो आज से 3 दिन का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 22 को प्रदेश सरकार 4,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास कराएगी। रविवार को ही कार्य मंत्रालय में यह तय हुआ है। इसके साथ ही विपक्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सत्र के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएगा। हरिद्वार में मासूम की हत्या दुष्कर्म की आशंका। तो नगर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी से दिन के समय लापता मासूम की गला घोटकर हत्या कर दी गई। मासूम की लाश घर से 100 मीटर की दूरी पर 3 मंजिले भवन के एक कमरे में मिली। गले में रस्सी पड़ी थी। दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। टीटी 150 अंकों में से दे दिए 855। तो शिक्षा विभाग इन दिनों प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिस तरह से भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, उससे विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। विभाग की ओर से चंपावत जिले की जो मेरिट बनाई गई है, उसमें 3 अभ्यर्थियों को टीटी में 150 में से 150 अंक दिखाए गए हैं, जबकि एक अभ्यर्थी के 150 में से 855 अंक दर्शाए गए हैं। प्रदेश में किसी भी अभ्यर्थी को 150 अंक नहीं मिले, लेकिन भर्ती परीक्षा को लेकर के जो मेरिट बनाई गई है, उसमें अभ्यर्थी को 150 अंक दर्शाए गए हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों के 855 अंक दर्शाए गए हैं। टीटी मेरिट संगठन ने कहा कि भर्ती को जानबूझकर उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरिट संगठन ने कहा कि यह मेरिट लिस्ट चंपावत जिले की ओर से जारी की गई है। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में विज्ञान और गणित दोनों विषयों की अलग अलग मेरिट न बनाकर एक साथ इसे विज्ञान कर दिया गया है। संगठन ने कहा कि सामान्य और बैकलॉग के पदों पर होने वाली भर्ती के पदों को बढ़ाए जाने के साथ ही इस तरह की गड़बड़ी को सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलती से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कानूनी दाव पेच में फंस सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस मुस्तैद कड़ा पहरा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली। रविवार को आईजी कानून व्यवस्था एसपी अंशुमान और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने फोर्स की ब्रीफिंग की। रोजगार दो मुहिम पर कांग्रेस घेरेगी आज विधानसभा। तो राजपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रभारी प्रमोद कुमार व अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार ने सोमवार को युवा कांग्रेस के रोजगार दो मुहिम पर 21 दिसंबर से विधानसभा घेराव को सफल बनाने की रणनीति बनाई है। सीएम बोले, मेरा स्वास्थ्य ठीक, अपना ध्यान रखें। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जन्मदिन पर लोगों से अपील की कि वे कोरोना से बचाव के नियमों को पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। दिल्ली की युवती से सामूहिक दुष्कर्म में काशीपुर के चचेरे तहेरे भाई गिरफ्तार। तो कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध बाजार स्थित होटल में दिल्ली की एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने चचेरे तहेरे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उत्तराखंड के काशीपुर थाना क्षेत्र के महेशपुरा कस्बा निवासी हैं। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे नौकरी लगवाने का झांसा देकर के मुरादाबाद बुलाया था। रविवार को दोपहर बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल आज से सरकार ने बातचीत के लिए फिर बुलाया। तो नए कृषि कानून के खिलाफ 25 दिन से जारी आंदोलन के बीच किसान सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। भारत में जनवरी से कोरोना का टीकाकरण संभव। तो भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीका लगाने का अभियान जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता वैक्सीन का सुरक्षित और प्रभावी होना है।
दुर्लभ संयोग आज बेहद करीब बृहस्पति और शनि, तो 800 साल बाद सोमवार को आसमान में दुनिया की अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। इस दौरान सौरमंडल के दो सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूजे के बेहद करीब होंगे। इन दोनों ग्रहों के नज़रिए से आपसी दूरी महज 0.1 डिग्री रह जाएगी, हालांकि इनकी भौतिक दूरी करीब 73.5 करोड़ किलोमीटर होगी। एलटी भर्ती में नियमावली बदले जाने से छात्र नाराज। उत्तराखंड विधि सेवा चयन आयोग की ओर से एलटी भर्ती में नियमावली बदले जाने से अभ्यर्थियों और छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने रविवार को सांसद अजय टमटा को ज्ञापन सौंपकर पूर्व की भांति नियमावली लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में वक्ताओं ने कहा कि एलटी चयन प्रक्रिया में इस बार कला विषय में फाइन आर्ट्स और एमए चित्रकला के छात्रों के लिए भी बीएड की अनिवार्यता रखी गई है, जो पहले नहीं थी। इस नए नियम से कला विषय के हजारों छात्र जिन्होंने पूर्व नियमावली में कला विषय से मांगी गई अर्हता के अनुसार बीएफए एमएफए यानी फाइन आर्ट्स और एमए चित्रकला से किया है, वह सभी अभ्यर्थी एलटी भर्ती से वंचित हो रहे हैं। केदारनाथ में वर्षों बाद दिखे हिम कबूतर। तो मध्य एशिया में पाए जाने वाले हिम कबूतर यानी कोलंबा न्यूकोनोटा केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में वर्षों बाद दिखे हैं। ये कबूतर वन्य जीव विहार से 3400 मीटर की ऊंचाई पर नजर आए हैं। हाईकोर्ट ने पेड़ बचाने को सुनाया बड़ा फैसला। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेड़ बचाने को लेकर के बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत के दायर में दायर की जाने वाली याचिकाओं में अनावश्यक कागजात लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने से पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। नेपाल में संसद भंग, अप्रैल मई में चुनाव होंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को चौंकाते हुए संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। राष्ट्रपति ने देश में अप्रैल मई में मध्यावधि आम चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। कार पलट गई पर नहीं छोड़े पुलिस ने बदमाश। तो बिहार से बदमाशों को पकड़ ला रही उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी यूपी के बरेली में पलट गई। इस दौरान गाड़ी में बैठे दरोगा ने बदमाशों की हथकड़ी में लगी रस्सी अपने शरीर पर लपेट ली और स्थानीय पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। इसके बाद आरोपी और घायल पुलिसकर्मी को दून पहुँचे। तो एसओ रायपुर डीएस नेगी ने बताया कि थाना पुलिस ने बिहार से दो इनामी बदमाश लक्ष्मण उर्फ पकोड़ी और अरुण साहनी को गिरफ्तार किया था। प्रीतम सिंह ने तासी नुंगसी को सम्मानित किया। तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पर्वतारोही जुड़वा बहनों नुंगसी मलिक और तासी मलिक को जोड़ी गाँव पहुँचकर सम्मानित किया। मुख्य बाजार बंद रहे और गलियों में आंख मिचोली। तो कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से रविवार को दून शहर में साप्ताहिक बंदी की गई। इस दौरान मुख्य बाजारों में दुकानें बंद रही लेकिन गलियों में आंख मिचोली की स्थिति रही। कई जगह पर गलियों में जैसे ही पुलिस आती तो दुकानदार दुकानें बंद कर देते और जाते ही खोल देते हैं। कोरोना काल दून का डूंगा हाउस 25 को हमेशा के लिए पड़ जाएंगे ताले। तो दून का जाना पहचाना नाम डूंगा हाउस 25 दिसंबर को हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कोविड के चलते पैदा हुए हालात में 63 साल की अनिल चड्डा को यह फैसला लेना पड़ा। वह आंखों में आंसू और रूधे गले से कहते हैं कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। 25 को डूंगा हाउस में विधायक खजानदास भाजपा का चिंतन शिविर करवा रहे हैं और यह यहाँ आखिरी कार्यक्रम होगा। बाइक बेचने का विज्ञापन डाला, ठगों ने खाली कर दिया खाता। तो साइबर ठग लगातार दून के लोगों को निशाना बना रहे हैं। रविवार को साइबर थाने में 4 शिकायतें पहुंची। किसी को बैंक अधिकारी बन ठग लिया गया तो किसी का खाता नौकरी दिलाने के नाम पर खाली कर दिया। इनमें से एक खुशनसीब भी रहा जिसके पैसे साइबर थाना पुलिस ने हाथ के हाथ कार्रवाई करते हुए वापस ला दिए। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मसूरी में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान किए गए। तो वीकेंड रविवार को मसूरी में पर्यटक खासी संख्या में पहुंचे। इस दौरान माल रोड पर जगह जगह नो पार्किंग जोन में बड़ी संख्या में वाहन खड़े थे, इससे जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान झूला घर से लेकर के किताब घर तक बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के पुलिस ने चालान काटे।
महिला ने फेसबुक पर दोस्ती कर किया ब्लैकमेल। तो एक महिला ने फेसबुक पर पहले व्यक्ति से दोस्ती की और फिर वीडियो कॉल कर न्यूड फिल्म बना ली। इसके बाद महिला ने उसे वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपये अपने खाते में जमा करा लिए। देहरादून जिले में शिक्षक संघ के चुनाव का बिगुल बजा। तो जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के त्रैवार्षिक चुनाव 26 दिसंबर को आयोजित होंगे। मौसम दून में अधिकतम तापमान और गिरेगा। तो सोमवार को दून के आसमान में आंशिक तौर पर हल्के बादल रहेंगे, इससे गिरते पारे में मामूली राहत मिलेगी। हालांकि 24 दिसंबर तक दून का मौसम शुष्क बना रहेगा। मसूरी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। तो मसूरी में क्रिसमस के लिए पर्यटक आने लगे हैं, होटलों में इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। क्रिसमस पर शुक्रवार होने वाले फिर महीने का चौथा शनिवार और रविवार होने की वजह से 3 दिन का वीकेंड मसूरी के लिए खास होने जा रहा है। देहरादून में सीजन की सबसे सस्ती सब्जियां। तो देहरादून में सीजन की सबसे सस्ती सब्जियां बाजार में बिक रही हैं। आलू 20 से 25, प्याज 35 से 40, गोभी 10 से 15, टमाटर 20 से 30, गाजर 15 से 20 और मटर 20 से 30 बिक रहा है। चकराता क्षेत्र में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत। चकराता वन प्रभाग के अंतर्गत मोन खत के डाकरा गांव में करीब एक माह से गुलदार का आतंक बना हुआ है। गांव के समीप गुलदार दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में। ग्रामीणों ने डीएफओ चकराता को ज्ञापन भेजकर मदद की गुहार लगाई है। दुर्लभ उल्लू को वन विभाग को सौंपा। तो डकरानी रोड पर रविवार को एक खेत में उल्लू बैठा हुआ था, जिस पर स्थानीय निवासी बुरफान अहमद की नज़र पड़ी। उल्लू पर कुछ पक्षी हमला कर रहे थे। लोगों ने उल्लू को पकड़कर सुरक्षित पिंजरे में रख दिया और वन विभाग को सूचना दी। दो परीक्षाओं को एक ही दिन कराने पर रोष। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही और कनिष्क अभियंता विद्युत यांत्रिक की परीक्षाएं 10 जनवरी को तय की है। एक ही दिन दो परीक्षाएं आयोजित करने से बेरोजगार में गुस्सा है। देवभूमि बेरोजगार मंच ने इसका विरोध किया। मंच का कहना है कि कनिष्क अभियंता के कई परीक्षार्थी ने आबकारी और परिवर्तन सिपाही के फॉर्म भी भरे हैं। ऐसे में एक ही दिन परीक्षा होने से इन अभ्यर्थियों के सामने अब संकट की घड़ी खड़ी हो गई है कि आखिर वह किस परीक्षा की तैयारी करें। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ दो बार मजाक किया है। पहला कृषि अधिकारी की परीक्षा से कुछ घंटे पहले 130 पद घटा दिए गए और अब दो परीक्षाओं को एक ही दिन में कराकर आयोग अपने काम को सिर्फ निपटाना चाहता है। तो दो भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। तो उत्तराखंड सेवा आयोग ने कनिष्क अभियंता और पर्यटन सिपाही आबकारी सिपाही की भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी। आयोग के सचिव संतोष बड़ो ने बताया कि दोनों परीक्षाएं रविवार 10 जनवरी को होंगी। ACS की परीक्षा में 69% अभ्यर्थी अनुपस्थित। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से देहरादून में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 दो पालियों में रविवार को आयोजित की गई। देहरादून में 28 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 69% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। मसूरी के सिस्टर बाजार में द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग। तो बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग रविवार को लाल टिब्बा स्थित सिस्टर बाजार में हुई। यहां पर फिल्म की शूटिंग 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक हुई। कर्णप्रयाग से खबर आई है, शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिले मकान में लगी आग। तो विकास खंड के थग्याला गाँव में एक आवासीय मकान में आग लगने से पूरा सामान जल करके राख हो गया। उत्तरकाशी में 522 युवा ही दौड़ में पास हो पाए। तो कोटद्वार में आयोजित सैन्य भर्ती रैली में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मैदान में प्रवेश मिला। तो विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित सेना भर्ती रैली में पहले दिन उत्तरकाशी के युवाओं ने दमखम दिखाया। अभ्यर्थियों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट लाने पर ही भर्ती मैदान में प्रवेश दिया गया। सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि उत्तरकाशी जिले से 3202 आवेदन मिले थे, जिसमें से 2744 ने प्रतिभाग किया। इनमें से 522 युवाओं ने दौड़ पास की। श्रीनगर से खबर है, जहां पे गुलदार की धमक से सहमे लोग। तो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत डांग गांव में रविवार को प्रातः 10 बजे के करीब गुलदार घरों के आंगन में धमक गया। इसके कारण लोगों में दहशत फैल गई। और रुद्रप्रयाग से खबर है, कोटेश्वर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ है।
कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार तो रुड़की शहर में रविवार सुबह कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह से ही रुड़की ने कोहरे के सफ़ेद चादर ओढ़ लिए। श्रीनगर में पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सौंपा तो केदार मोहल्ला कमलेश्वर श्रीनगर में एक 6 वर्ष की बच्ची रोते हुए मिली, जिसको महिला थाना श्रीनगर में लाया गया। लक्सर से खबर है, खानपुर में 2 नाबालिग लापता तो खानपुर थाना क्षेत्र में एक गांव से 2 किशोरियां संदिग्ध हालत में लापता हो गई। दोनों नाबालिग आपस में चचेरी बहनें भी हैं। दोनों के एक साथ लापता होने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। नानकमत्ता में आईआईटी मुंबई के छात्र की हत्या तो शनिवार से लापता आरएसएस नेता के बेटे और आईआईटी मुंबई के छात्र का रविवार सुबह नानक सागर जलाशय में शव मिला। मृतक के दोनों हाथ मफलर से बंधे थे और शरीर पर चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉलेज के नाम सीधे काट दिया 1,18,00,000 का चेक तो छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार साल 2013 के जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग संघधर ने 1.18 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का चेक मेरठ के एक कॉलेज को सीधे दे दिया। कैप्टन के बेटे ने मां को गला रेतकर मार डाला तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे टीपी नगर चौकी क्षेत्र के करायल जोला साल गांव में सेना से रिटायर कैप्टन के छोटे बेटे ने बुजुर्ग मां की गर्दन रेत कर हत्या कर दी। सुबह बिस्तर पर खून से सना शव देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छोटे बेटे को हिरासत में लेकर के पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। पुलिस ने उससे हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। अल्मोड़ा से खबर आई है, हाउस टैक्स अब ऑनलाइन जमा होंगे तो नगर के लोगों को अब हाउस टैक्स जमा करने के लिए पालिका दफ्तर की दौड़ नहीं लगानी होगी। अब जल्द ही लोग हाउस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन घर बैठे कर सकेंगे। द्वारा हाट बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते व्यापार उद्योग मंडल ने बैठक का निर्णय लिया है कि अब हफ्ते में 2 दिन सारे व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। बागेश्वर में अंगीठी चलाते समय महिला झुलसी तो कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत चौगांव छिन्ना गांव की एक महिला अंगीठी चलाते समय आग की चपेट में आ गई। महिला की चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि महिला 40% झुलस गई है। बागेश्वर में लाई जा रही 1.18 किलो चरस पकड़ी गई है। वहीं खबर आई है, कपकोट से सड़क निर्माण के दौरान हादसा, एक की मौत हो गई तो कपकोट तहसील के खाती गांव के लिए बन रही सड़क निर्माण के दौरान हादसा हो गया। पेड़ के चपेट में आकर बाछम गांव निवासी एक युवक की मौत हो गई। एसएसजे में ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन आज से होगा तो सोवन सिंह जीना परिसर में सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, साथ ही टाइम टेबल तैयार कर छात्रों को सूचित कर दिया है। टनकपुर से खबर है, तारबाड़ में फंसा गुलदार तो टनकपुर के ग्रामीण क्षेत्र छिनीगोट स्थित खटीमा रेंज में शनिवार देर रात एक गुलदार जमीन में तिरछे सूखे पेड़ के नीचे तारबाड़ में फंस गया। इससे उसके दोनों पांव तारबाड़ में जकड़ गए। बाद में गुलदार को ट्रैकुलाइज कर वन विभाग की टीम ने पिंजरे में बंद कर हल्द्वानी ले गई। लोहाघाट से खबर आई है, 2 हादसों में किशोर और अधेड़ की मौत तो विकासखंड बाराकोट और लोहाघाट में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक किशोर और एक अधेड़ की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे में घायल और मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पिथौरागढ़ में रसोई गैस की मारामारी तो पिथौरागढ़ में 15 दिन से अधिक समय बाद भी रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रपुर से खबर है, 9 साल से वांछित बदमाश पुलिस शिकंजे में तो पिछले 9 साल से फरार चल रहे होंडा सिटी कार लूट के 5,000 के नामी बदमाश गुरमीत सिंह को एसटीएफ व पंतनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने सितारगंज से गिरफ्तार कर लिया। काशीपुर से खबर है, जहां महिला के घर से नकदी जेवरात व सामान गायब तो पति की मौत के बाद मायके गई महिला के घर से ससुरालों ने घर में रखा फर्नीचर समेत लाखों के जेवरात गायब कर दिए।
दुष्कर्म का आरोपी शादी से पहले फरार। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी शादी से पहले फरार हो गया। इसके चलते शादी की तैयारियां धरी रह गई। वहीं खटीमा से खबर है, सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। जाति सूचक शब्द बोलकर मजदूर को पीटा। तो किच्छा से खबर है, जहां पे नहर किनारे लकड़ी बीनने रहे कमलेश पुत्र राजेंद्र प्रसाद ग्राम रामेश्वरपुर में बाप बेटे से मारपीट कर दी गई, जिससे वह घायल हो गए। इस दौरान पीड़ित ने आरोपियों पर जाति सूचक शब्द बोलने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। हल्द्वानी में रात की ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। तो ठंड और कोहरे के चलते हल्द्वानी में रात के पारे में बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। 85 महाविद्यालय जुड़े 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी से। तो प्रदेश के 85 राजकीय महाविद्यालय को 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी टिहरी से भी ठंडा रहा दून। तो राजधानी देहरादून का तापमान उच्च हिमालयी जिलों से भी नीचे चला गया। रविवार को रुद्रप्रयाग का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, उत्तरकाशी का 7 और नई टिहरी का 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि देहरादून का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। रेडिसन होटल के GM से लूट का आरोपी 9 साल बाद गिरफ्तार हो गया। तो पुलिस और SDF की को मिली कामयाबी, आरोपी पर 5,000 का इनाम था। आज से 3 दिन बंद रहेंगे दून के ट्रैफिक। क्यार कोली के गजे सिंह ने किया गजब, गधेरे के पानी से बना दी बिजली। तो मसूरी से खबर आई है, यह स्वदेश फिल्म में अमेरिका से लौटे शाहरुख खान जैसी फिल्म कहानी नहीं। मसूरी के क्यार कोली गांव के गजे सिंह रावत ने हकीकत में वह कर दिखाया जो फिल्मी पर्दे पर ही दिखता है। गजे सिंह ने गधेरे के पानी से पन बिजली संयंत्र लगा करके 5 किलोवाट बिजली पैदा कर दी। व्यवस्थाओं में खामियां देख चढ़ा मेयर का पारा। तो रविवार को मौसम का पारा घटने के साथ ही जहां शहर में आम लोगों को सर्दी के सितम का सामना करना पड़ा, वहीं कई जगह अलाव की व्यवस्था में खामियां देखकर मेयर सुनील उनियाल गामा का पारा चढ़ गया। मेयर ने तत्काल मौके से संबंधित अधिकारियों को फोन पर खरी खोटी सुनाते हुए व्यवस्थाएँ सुधारने के निर्देश दिए हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो अल्मोड़ा रैली ऑनलाइन करें आवेदन। तो भारतीय सेना तो रैली की जो तिथि है वो 24 फरवरी से 10 मार्च रखी गई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी रखी गई है। वायुसेना में शामिल होने का अवसर, तो भारतीय वायुसेना में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें 235 पद हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी रखी गई है। विभिन्न खाली पदों पर युवाओं को मौका, तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 1,700 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर तक रखी गई है। सीनियर रेसिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 25 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती होगी, इसके लिए साक्षात्कार की तिथि 23 दिसंबर रखी गई है। दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। 10 जनवरी को दोबारा होगी JEE भर्ती परीक्षा। तो प्रदेश की पिटकुल और UPCL में JEE के 252 पदों पर भर्ती को 3 साल बाद दोबारा परीक्षा होने जा रही है। पाक युद्ध की यादें ताजा कर भरा जोश। तो 50 साल बाद IMA में जुटे 1970 बैच के पूर्व सैन्य अफसर साझा किए अनुभव। तो 50 साल बाद जब IMA से पास आउट हुए 1970 बैच के पूर्व सेना अधिकारी एक सामने जुटे, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बैच के अधिकारियों ने 1971 के युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के अनुभवों को एक दूसरे से के साथ साझा करते हुए उनकी भुजाएं एक बार फिर से फड़क उठी। कोरोना से बेखौफ पर्यटक दून चिड़ियाघर उमड़े। तो जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण राजधानी दून में दोबारा तेजी से फैल रहा है और सैकड़ों की संख्या में नए मरीज संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, वहीं कोरोना से बेखौफ पर्यटक की भारी भीड़ दून चिड़ियाघर में उमड़ रही है। श्रीनगर से खबर है, जहां पे बस्ती में पहुंचा गुलदार किशोर पर हमला किया। तो अभी तक जंगल से सटे इलाकों में दिखाई देने वाला गुलदार रविवार को दिन में ही डांग मोहल्ले में पहुंच गया। घाट बाजार बंद नहीं चली टैक्सियां। तो नंद प्रयाग घाट मार्ग के चौड़ीकरण और डामीकरण की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन के तहत रविवार को लोगों ने घाट बाजार बंद रखा।
रुद्रपुर से खबर आई है, रुद्रपुर गौरीकुंड हाईवे पर सुरंग का कार्य फिर से शुरू हो गया है। दो दिन से नाबालिग लापता गुमशुदगी दर्ज की गई है, तो बसुकेदार उप तहसील क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग दो दिन से लापता है। 1600 मीटर दौड़ में ही हांफ गए युवा, तो सेना भर्ती पहले दिन उत्तरकाशी जिले में 2744 में से 522 ही दौड़ पाए। पूर्व समाज कल्याण अधिकारी शंखधर को जेल भेजा गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे मासूम की गला घोटकर हत्या, दुष्कर्म की आशंका। तो रविवार को दोपहर घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी 9 वर्षीय बच्ची। वही खबर है धनौरी पथरी से, जहां पे 13 घंटे तक गुल रही बिजली, लोग परेशान रहे। हल्द्वानी नैनीताली खबरों की बात करें, तो गगन में 2 ग्रहों के मिलन की रात आज, तो जिस पल का वैज्ञानिकों सहित खगोल प्रेमियों को लंबे समय से इंतजार था, वह घड़ी आखिर आ गई है। आकाश में 2 ग्रहों शनि और बृहस्पति बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। जमीन के टुकड़े के मोह में बिगाने हुए रिश्ते, तो पति पत्नी के बीच 16 साल से चल रहा विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुँचा है मामला। कार खाई में गिरी LLB के छात्र की मौत, 3 घायल हो गए। तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे पीलीभीत से अल्मोड़ा जा रही युवकों की कार शनिवार को रात भुजिया घाट के में खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। गौथिक शैली के लिए प्रसिद्ध है कुमाऊँ चर्च, तो नैनीताल में एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च। तो कुमाऊँ के लगभग हर शहर में चर्च है, ये चर्च अपनी गौथिक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ढोरा के जंगल जले, तो जंगल की आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को ढोरा के जंगल में अचानक आग लग गई। कॉलेज आए तो कोरोना जांच रिपोर्ट और अभिभावकों का सहमति पत्र साथ लाएं। तो सुवन सिंह जिला परिषद अल्मोड़ा में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आज से शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं। ADM समेत 40 लोग संगीत मिले हैं, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो 9 साल से फरार 5000 का इनामी बदमाश धरा गया है। ठंड का 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, न्यूनतम पारा 1.3 डिग्री तक पहुंच गया है। रुद्रपुर से खबर आई है, CM के जन्मदिन पर रुद्रपुर में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया, तो पंतनगर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं सितारगंज में भी कार्यक्रम हुए।